देखिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जिसके अध्यक्ष राम किशन जी हैं, आप लोग बतौर स्टेट भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपकी जितनी भी मांगे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए दी गई हैं, आपके इस ज्ञापन को मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचवा दूंगा। धन्यवाद। आप लोगों को निवेदन है कि आप अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करें और अपने अपने शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। जो पेंशन की बात करेगा, जो पेंशन की बात करेगा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण पंचायती राज सफाई कर्मी जो हैं आज अपनी मांगों को लेके सड़कों पर हैं और जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं रामकिशन वाल्मीकि, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष लखनऊ, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ। क्या कुछ नाराजगी है आपकी, आप लोग सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर? 7 सूत्री मांगे हैं, क्या 7 सूत्री मांगे हैं? हम लोग कभी सड़कों पर इस तरीके से नहीं उतरते हैं। विगत कई वर्षों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय क्रांति सिंह जी, प्रदेश महामंत्री बशन लाल जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजीत वाल्मीकि जी के नेतृत्व में हम लोगों की बैठक हुई, समस्त जनपदों के अध्यक्ष मंत्री की बैठक हुई और काफ़ी अरसों से हम लोग अपनी प्रमोशन को लेकर, सेवा नियमावली को लेकर और अपने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और अपना पदनाम परिवर्तित को लेकर काफ़ी मीटिंगें हुई, काफ़ी पत्राचार हमने शासन प्रशासन स्तर पर किया, निदेशक स्तर पर किया। अभी तक के उसका कोई भी जो है सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। काफ़ी विवश होकर हम लोग आज पूरे प्रदेश में 19 जून को पूरे प्रदेश 74 प्रदेशों में आज कार्यक्रम हमारा हो रहा है, एक दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनका निराकरण यथाशीघ्र कर दें, अन्यथा 5 जुलाई को पूरे प्रदेश के 1 लाख सफाई कर्मचारी लखनऊ घेरने का कार्य करेंगे, जो कि हम लोग सबसे निचले तबके कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी। बराबर हमारी लोग की मांगे वार्ताएँ तमाम होती हैं लेकिन शासन प्रशासन उसका संज्ञान नहीं ले रहा है। कब से आप लोग इन मांगों को लेकर सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं? हम लोगों को काफ़ी अरसा हो रहा है, मैं बराबर सेवा नियमावली को लेकर हमारे विगत कई वर्ष हो रहे हैं और हम लोगों को आश्वासन होता है, वार्ताएं होती हैं लेकिन धरातल पे कोई कार्यक्रम हम लोग के प्रमोशन का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ना तो हमारे कोई ऐसे आदेश हो रहा है जिन पर हम लोग जो है शासन प्रशासन की तरफ से हो जाए कि हमारा ये आदेश हुआ है, ऐसा कोई भरोसा हम लोग को नहीं जताया जा रहा है। 7 सूत्री क्या कुछ मांगे थी जो आज आप लोग सड़क पर उतरे? 7 सूत्री मांगों में कई वर्षों से हम लोग अपनी सेवा नियमावली की बात कर रहे हैं कि हमारी विभागीय सेवा नियमावली बनाई जाए, विभाग में हम लोग को प्रमोशन दिया जाए और ग्राम पंचायत अधिकारी पर लगातार हम लोग जो मांग करी सरकार से, उन्होंने आज 20% हमको आश्वासन भी दिया, उसके बावजूद भी 20% का कोटा हमारा निर्धारित नहीं किया ग्राम पंचायत अधिकारी पर। हमारा जो है पदनाम परिवर्तित नहीं किया गया, हमारा जो है गाँव में सफाई कर्मचारियों को होता जिसमें हम लोग ने पंचायत सहायक का नाम रखा था कि पंचायत सफाई कर्मी का नाम हमारा लोग का रखा जाए और हमारा 1900 ग्रेड पे का जो है अभी तक के लाभ हम लोग को नहीं दिया गया है 1900 ग्रेड पे का। और जो हमारा लोग, हम लोग राज्य कर्मचारी हैं, एक प्रतिनिधि से हमारा पेरोल प्रमाणित कराया जाता है जो कि सरकार और न्याय में ये व्यवस्था में उचित नहीं है, हम लोगों का पेरोल व्यवस्था समाप्त करी जाए और हम अन्य विभागों की भांति हमारा भी वेतन बनाया जाए। रामकिशन जी, एक आखिरी सवाल, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है 2024 का, अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तो क्या कुछ नाराजगी चुनाव में उतरेगी? अभी तक तो हम लोग सरकार से गुहार कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, अभी हम लोग सिंगल अपने घर से लड़ाई के लिए लड़ी जा रही है और अगर शासन प्रशासन हमारी और सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे बच्चे और अपने पत्नी और अपने रिश्तेदारों के साथ हम इस सरकार का बहिष्कार करेंगे। आने वाले समय में अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम लोग अपने मतों का पूरे घर भर मतों का प्रयोग करके सरकार बदलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम देखिए कर्मचारी जो हैं, चाहे वो केंद्र कर्मचारी हो चाहे राज्य कर्मचारी हो, वो अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। उनका कहना है पुरानी पेंशन बहाल हो और जो पदोन्नति है वो लागू करी जाए। तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उनका कहना है
अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।